अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है क्लास फोर द एजुकेटेड फाल्कन मैथ का यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे। रिसेंट आपने देखा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 और आज जो है एक्सरसाइज नंबर 4 का आगाज़ करेंगे यूनिट 7 का। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँगा कि एक्सरसाइज नंबर 4 का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा, एग्जांपल के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, आपने कोई भी एंगल बनाना है तो सबसे पहले उसका आगाज़ किस तरह करेंगे। पहले तो डिफरेंट किस्म के हम एंगल को डिस्कस किए। एग्जाम्पल वो देने लगा, कहता है कि ड्रा अ लाइन एक्स वाई, एक एक्स वाई के मुताबिक आपने लाइन बनानी है ऑफ लेंथ ऑफ 5 cm, 5 cm के बराबर जो है अपने लाइन लगानी है, और लाइन जो है वो स्केल के मेजरमेंट के साथ लगानी है, स्केलिंग मेजरमेंट के साथ। एंड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट एक्स मेजरिंग 3.2 cm, एक्स मेजरिंग 3.2 cm, 3.2 की जो है अपने लाइन लगानी है बिल्कुल उसकी जो है परपेंडिकुलर साइज के ऊपर। नंबर वन, स्टेप वन में कहते हैं कि ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन ऑफ लेंथ। आपने एक पैमाइश के ज़रिए एक स्केल रख के आपने एक लाइन लगा दी। अब मैं इसको यहाँ पे देखें, आपके बराबर जो है वो बिल्कुल इसके बराबर है, 5 के बराबर आ गई लाइन। ये देखिए 5 के बराबर हमारी ये जो लाइन लग गई, इसके बराबर जो है। आपने सेकेंड स्टेप में आपने सिर्फ देखेंगे कि स्टेप टू में कहते हैं कि प्लेस द सेट स्क्वायर एट द पॉइंट एक्स इज शोन बिलो। अब इसके जब आपने ये 5 cm की जब लाइन लगाई है, आपने इसको जो है वो आपने यूज़ करते हुए इसको सेट स्क्वायर आपने बिल्कुल रख देना यहाँ पे, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखते हुए आप 3.2 के ऊपर जब साइन शो करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने Z का एक डॉट बनाया है। ये उसने यहाँ पे एक Z का डॉट बनाया है, तो लिहाजा जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर कर रखे आपने, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है 5 cm के ऊपर आप ये यहाँ पे जो है वो शो हो गई। ये किसके बराबर है? 3.2 cm, ये परपेंडिकुलर लाइन। लिहाजा हमारा जो है वो एक मार्क द जी अलॉन्ग विद 3.2 ऑन द सेट स्क्वायर। आपने देखा कि हम किसके बराबर आ रहे हैं? 3.2 के। लिहाजा हमारा जो है वो एंगल आपके सामने ये बन चुका है। लेफ्ट साइड पे आप देखिए जो परपेंडिकुलर आपके साइड है 3.2 cm, एक्स वाई तो हमारी जो है वो उसने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है परपेंडिकुलर सेट स्क्वायर के साथ। इस तरह डायरेक्ट जो है वो हम, मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 4 है यूनिट 7 का। नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपके सामने हल करूंगा इसका। सबसे पहले कहते हैं ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 4 cm, देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 25 एट द पॉइंट ए। सबसे पहले वो कहते हैं कि ड्रॉ लाइन ए बी 4 cm, हमने ए बी के ऊपर जो है वो 4 cm के बराबर जो है हमने लाइन लगानी है। इस चीज़ को हमने देखना है, फोर सी एम के बराबर हमने लाइन लगानी है। अब
ये हमारी ए बी फोर सी एम के बराबर जो है वो लाइन लग गई है हमारी। अब सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए अब वो कहते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन 2.5 सम अब टू इसको यू सेट स्क्वायर को यूज करते हुए हम देखेंगे कि 1 2 यहां पे हम डॉट लगाएंगे इसका और स्केल के साथ यहां पे इसको जो है वो शो ऑफ कर देंगे इस लाइन को। ये हमारी 2.5 cmn की परपेंडिकुलर लाइन जो है वो सेट स्क्वायर ने शो कर दी। लिहाजा हमारा पहला क्वेश्चन आपका ये हुआ। नेक्स्ट वन में चलता हूँ, इसके क्वेश्चन एक और इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक्सरसाइज नंबर फोर का डी क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ। Draw a line LM of 6 cm, then draw a perpendicular of 4.5 cm at the point of M. इसी तरह पहले जिस तरह हमने क्वेश्चन किए उसी में यही कहते हैं कि ड्रॉ अ लाइन एल एम ऑफ 6 cm की एक लाइन लगा रही है स्केल के साथ, ड्रॉ परपेंडिकुलर 4.5 cm उसी के ऊपर सेट स्क्वायर का यूज करते हुए 4.5 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन का आपने शो करनी है पॉइंट एम के ऊपर। सबसे पहले हम स्केल लेंगे, चलिए हम सबसे पहले इसको पैमाइश करेंगे, 0 से लेके 6 cm की लाइन जो है वो शो करेंगे। ये एल एम को मिलाता हुआ हमने एक जो है वो 6 cm की लाइन लगाई। अब सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट एम के ऊपर फोर पॉइंट फाइव तक जो है वो हम लाइन शो करेंगे सेट में। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ये हमारा एंगल बन गया। तो लिहाजा इसी तरह एक और आपको मैं एग्जांपल कोट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन ई है, ड्रॉ अ लाइन RS थ्री पॉइंट फाइव सी एम देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ
of 1.5 cm at the point S. सबसे पहले उसी तरह आपने स्केल के साथ इसकी पैमाइश करनी है. स्केल की पैमाइश करके हम ये हमारी हॉरिजेंटल शो हॉरिजेंटल लाइन आर एस को जो है वो शो कर रही है. परपेंडिकुलर लाइन आपने देखनी है सबसे पहले 1.5 cm हमारा जो है वो परपेंडिकुलर हो गया 1.5 cm पॉइंट एस के ऊपर. लिहाजा ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 4 थी. एक्सरसाइज नंबर 4 के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए और 3 क्वेश्चन सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने जो है वो एक हॉरिजेंटल वे के साथ जो है वो लाइन लगाई. इसमें मैंने क्वेश्चन था ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 4 cm. सबसे पहले ए बी के ऊपर हमने 4 cm के ऊपर एक लाइन लगाई, 4 cm के ऊपर हमने एक लाइन लगाई और उसी के ऊपर जो है वो सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए 2.5 cm की लाइन लगानी है जो कि एक्स के ऊपर शो किया गया है. आगे क्वेश्चन नंबर बी है. ड्रॉ अ लाइन पी क्यू ऑफ 0.55 cm देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 3.7 cm एट द पॉइंट क्यू. उसी तरह सबसे पहले जो है हम पैमाइश करेंगे उसके स्केल के साथ. पी क्यू हॉरिजेंटल लाइन हमने लगाई 5.5 cm किसको शो किया इसके ऊपर. परपेंडिकुलर 3.7 cm का सेट स्क्वायर यूज़ करते हुए हम इसकी पैमाइश करेंगे. ये हमारा परपेंडिकुलर एंगल जो है वो शो हो गया 3.7 cm. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई ऑफ 2.8 cm देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1.5 cm at the point
ऑफ x. उसी तरह सबसे पहले 2.8 हॉरिजेंटल लाइन सेंटीमीटर एक्स वाई. अब सेट स्क्वायर का यूज़ करते हुए इसकी पैमाइश आप लोग करेंगे. यहाँ जो है वो इसके बराबर 1.5 ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन 1.5 cm. इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसे ऑलरेडी हमने पहले जो है क्वेश्चन कर लिए, लिहाजा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे एफ पोर्शन. हम इस चीज क्वेश्चन का करेंगे. एफ में कहते हैं कि ड्रॉ अ लाइन यूवी 4.2 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 2.7 cm at the point V. उसी तरह सबसे पहले इस्तेमाल पैमाइश करते हुए मेजरमेंट स्केल के साथ हम करेंगे. हॉरिजॉन्टल वेव के साथ फोर पॉइंट टू, जो कि फिगर में यू वी के साथ जो है वो शो किया गया है. 4.2 सी एम सेट स्क्वेयर का यूज करते हुए 2.7 परपेंडिकुलर लाइन ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. 4.2 सम का आपने देखा कि सबसे पहले मेजरमेंट करके मैंने इसको लाइन लगाया, यूवी का एक बनाया 4.2 का सीएम का, उसी के ऊपर स्क्वायर स्केट का यूज़ करते हुए 2.7 सीएम का जो है वो एंगल आपके सामने परपेंडिकुलर जो है वो लाइन आपके सामने मैंने शो की. इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ड्रॉ अ लाइन टी एस ऑफ 5 सी एम, देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑफ 2.5 सी एम एट द पॉइंट एस. उसी तरह बिल्कुल उसके आगाज़ में मेजरमेंट करेंगे 5 सी एम की स्केल के साथ हम करेंगे इस चीज़ को. देखें
ये शो करेंगे टी एस के साथ 5 सी एम एंगल है इसका, तो सेट स्क्वायर का यूज करते हुए टू पॉइंट फाइव परपेंडिकुलर लाइन 2.5 सी एम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन है एच लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ड्रॉ अ लाइन पी आर ऑफ 6.6 सी एम देन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 3 सी एम एट द पॉइंट और उसी तरह पैमाइश करनी स्केल के साथ इस चीज की. सबसे पहले 6.6 की हॉरिजेंटल लाइन दोनों को मिला देना है पी आर 6.6 सी एम स्क्वायर सेट का यूज करते हुए 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाया. इसको डॉट के साथ शो करें, उसी के साथ अगर लाइन लगानी है तो उसी के साथ लगा लें. ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन. ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यही था. जिस तरह आपको मैंने बताया कि सबसे पहले हॉरिजेंटल वे के साथ आपने लाइन लगानी, हॉरिजेंटल साइड पे लाइन लगानी है, नीचे 6.6 के साथ आपने लाइन लगानी है. जिस तरह क्वेश्चन फिर वो कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन का यूज़ करते हुए हमने स्क्वायर स्कर्ट का यूज़ करना है. आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज इसी तरीके समझ आएगी होगी. इंशाल्लाह आई विल मीट नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर फाइव. ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.